नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत शब्द जो है धा जो है शब्द रूपों की अगली कड़ी में धेनु शब्द। धेनु उकारांत उ की मात्रा है, जिन शब्दों के अंत में उ की मात्रा। उकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जैसे रेणु, ठीक है, इस तरह के जो है या उ की मात्रा है, तो उ के शब्दों का क्या होगा जो है प्रथमा विभक्ति से लेकर संबोधन तक और एक वचन द्विवचन बहुवचन के रूपों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। और वीडियो है, मातृ है, पितृ शब्द है, भानु शब्द है, इससे जो है संबंधित वीडियो भी आप क्या कर सकते हो, वो भी आप जो है संस्कृत प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो पहला हमारे पास है विभक्ति। विभक्ति में आइए, विभक्ति में पहला है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा, प्रथमा में कैसे रूप बनेंगे इसके, धेनु धेनु धेनु, छोटू की मात्रा है, ठीक है, बड़ू की मात्रा दूसरे में, धेनु और धेनुवः, धेनु धेनु बड़ू की मात्रा धेनुवः। प्रथमा धेनु धेनु धेनुवः प्रथमा। द्वितीय में क्या होगा, द्वितीया। प्रथमा में क्या लिखा, धेनु धेनु बड़ु की मात्रा धेनुवः प्रथमा धेनु, ठीक है, धेनु धेनु बड़ु की मात्रा वही सेम होगा, ठीक है, धेनु धेनु बड़ु की मात्रा धेनुवः प्रथमा धेनु धेनु धेनु। यहां पर विसर्ग है, बड़ों की मात्रा और विसर्ग है, बड़ों की मात्रा और विसर्ग है, तो प्रथमा धेनु बड़ों की मात्रा धेनु बड़ों की मात्रा धेनुवः प्रथमा धेनु धेनु सेम है, दो एक जैसे, और धेनु द्वितीया। और तृतीय में, तृतीया प्रथमा द्वितीया देखिए, धेनु धेनु धेनुवः धेनु धेनु धेनु, ठीक है। तृतीय में क्या लिखा हुआ है, धेनुवः धेनुवा धेनुवा, देखिए धेनुवा आदा नौ है, वा है धेनुवा, देखिए अगला है धेनुवा तृतीय, धेनुवा दे आदा नौ वा धेनुवा धेनुभ्याम धेनुभ्याम, ठीक है, धेनुवा धेनुभ्याम धेनु भी धेनु भी, विसर्ग है यहां पर, ठीक है, ठीक है। धेनु धेनु बड़ु की मात्रा धेनुवः प्रथमा धेनु 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 द्वितीया धेनुवा धेनुभ्याम धेनु भी तृतीया धेनुवा धेनुभ्याम धेनु भी तृतीया। चतुर्थी, चतुर्थी में दो रूप बनेंगे इसमें, ठीक है, एक आपको धेनुवई आदा न वही वो पे आई की मात्रा है, या तो इसको लिख सकते हो धेनुवई, ठीक है, या धेनुवे धेनवे, ठीक है, धेनुवई धेनुवे, या तो इसको लिखिए आप या इसको लिखिए, ठीक है, तो धेनुवई धेनुवे धेनुभ्याम, इसमें वही होगा धेनुभ्याम धेनुभ्याम, इसमें होगा धेनुभ्य धेनुभ्य, विसर्ग है, ठीक है। धेनु धेनु बड़ु की मात्रा धेनुवः प्रथमा धेनु 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 द्वितीया धेनुवा धेनुभ्याम धेनुवी तृतीया धेनुवाई धेनुवे धेनुभ्याम धेनुभ्य चतुर्थी। पंचमी, पंचमी में ये विभक्ति है सारे, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, ठीक है, वैसी तरह धेनुवाई धेनुवे, ठीक है। तो अब इसमें जो पंचमी में है आपका वो भी जो है क्या होगा, धेनुवा, अब यहां पर धेनुवे तो यहां पर धेनुवाह विसर्ग होगा, धे इसमें क्या होगा, धेनुवाह विसर्ग है, ठीक है,
क्या हो गया, धेनुआ या धेनु, आओ की मात्रा है, ये दोनों में से एक लिख सकते हो आप। धेनुआ धेनु धेनुभ्याम, यहां पर सेम होगा धेनुभ्याम, ये पंचमी द्विवचन है धेनुभ्याम धेनुभ्य, ये यहां पर धेनुभ्या होगा धेनुभ्य, ठीक है। धेनु धेनु वर्तमा धेनुआ प्रथमा धेनु 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 द्वितीया धेनुआ धेनुभ्याम धेनु भी तृतीया धेनुवाई धेनुवे, इन दोनों में से धेनुवे धेनुभ्याम धेनुभ्य चतुर्थी धेनुआ धेनु धेनुभ्याम, इन दोनों में से एक लिखना धेनुभ्याम धेनुभ्य पंचमी षष्ठी, षष्ठी पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन में वही होगा धेनुआ, ठीक है। धेनुआ लिखो, या तो ये लिखना है धेनुआ या फिर ये दोनों धेनुआ धेनु धेनु धेनुआ धेनु धेनुआ धे अनवाया या धेनु धेनु, ठीक है। धेनुआ धेनु, ठीक है, धेनु और ये लिखा हुआ है, ठीक है। धेनुओ हो विसर्ग है यहां पर, आओ की मात्रा धे आधा न अवे वो धेनुओ, ये ध है, दस है धनुष, एक ही मात्रा धेनुओ हो, ठीक है। धेनुआ धेनु भी लिख सकते, धेनु धेनुओ, ठीक है। धेनु नाम धेनु नाम षष्ठी, ठीक है। धेनु 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 वह प्रथमा धेनु 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 द्वितीया धेनुआ धेनुभ्याम धेनु भी तृतीया धेनुवे धेनुवै धेनुवे धेनुभ्याम धेनुभ्य चतुर्थी, यही हुआ धेनुवा या धेनु लिख दो धेनु धेनुभ्याम धेनुभ्य पंचमी, धेनुवा धेनु ये दोनों सेम है, धेनु धेनु वह धेनु नाम षष्ठी धेनु नाम षष्ठी। अब सप्तमी है, सप्तमी में देखिए धेनुआम धे आधा न वाम धेनुआम भी लिख सकते हो धेनुआम, ठीक है, या धेनु, इसमें आव की मात्रा है, आव की मात्रा है धेनुआम, आव की मात्रा है, ठीक है। धेनुआम धेनुआम धेनु, इन दोनों में से एक लिखो और यहां पर वही होगा आधा न वो आव की मात्रा विसर्ग, ठीक है, यहां पर ध है आव की मात्रा विसर्ग, ठीक है। तो धेनुआम धेनु धेनु, ठीक है, धेनेशु धे नु और आधा ये स प वाली स, ठीक है। धेनुआम धेनु धेनु धेनुवा प्रथमा धेनु धेनु बड़ू की मात्रा धेनु, यहाँ विसर्ग है बड़ों की मात्रा के बाद, धेनुआ धेनुभ्याम धेनु भी तृतीया धेनुवे धेनुवाई धेनुवे धेनुभ्याम धेनुभ्य चतुर्थी धेनुवा धेनु धेनुभ्याम धेनुभ्य पंचमी धेनुवा धेनु धेनु ये धेनु धेनु नाम षष्ठी धेनुआम धेनु धेनु धेनु। देखिए अगला है संबोधन, संबोधन में इसमें संबोधन आठ विभक्त है, हे धेनु, देखो या तो जो है धेनु जो है हे जो है संबोधन का साइन है या साइन भी लगा हुआ है, ठीक है। हे धेनु देखिए ये जो है वही है धेनु धेनु वह हे धेनु वह जो यहां पर है वही है, यहां पर है धेनुवा ऐसी है, यहां पर मात्रा ऊपर है ये जो है थोड़ा सा। अब देखिए इसमें कौन कौन सा सेम है, धेनु धेनु धेनुवा प्रथमा धेनु 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 ये दोनों सेम है, प्रथमा द्विवचन द्वितीया द्विवचन एक जैसा है, तो एक ही याद करना आपको,
तृतीय द्विवचन, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन सबसे हमें एक ही याद करना है जो है। चलो ये लिखा हुआ है चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन एक जैसा है, तो इसमें एक ही लर्न करना आपको, पंचमी और षष्ठी ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। और ये दोनों एक जैसे हैं, षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन एक जैसे हैं, ठीक है ना। ये पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन एक जैसे हैं, जो है षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये गया एक वचन में, जैसे एक बार धेनु 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 प्रथमा, धेनु 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 द्वितीय, धेनुवा धेनुभ्याम धेनु भी तृतीया, धेनुवाई धेनुवे इन दोनों में से, धेनुभ्याम धेनु बे चतुर्थी, धेनुवा धेनु धेनुभ्याम धेनु बे पंचमी, धेनुवा धेनु धेनुवाउ ये जो है षष्ठी द्विवचन, धेनुनाम षष्ठी धेनुआम धेनु, या तो ये लिखो या ये लिखो, तो धेनु भी लिख सकते हो धेनुआम धेनुआम धेनु धेनुवहु धेनुषु सप्तमी, हे धेनु हे धेनु हे धेनुवः संबोधनम्।